Hello JEE 2025 friends, This is Anup Gupta. I'm the founder of Marathon. We have been teaching and mentoring students for IIT JEE for the last 15 years of my career. Now, why you should know about us? I'll just quickly brief that we guys are among the student community JEE friends treated as one of the most practical, trustworthy, loyal, and completely data-oriented mentor and teachers.

second important thing that you have to make, i will be adding the chapter notes, timestamps lagadunga, kon si galti, which errors you made in class 11th. let me know in the comment section, and if i have missed any, please drop a comment so that i can make a video on that as well. and the third most important thing that you have to do before you finally go to the end of the video is to make sure that you make notes. because this video helped many students get on track. Hota ke, hum log track sunte to hain, बट वी डू नॉट इम्प्लीमेंटेड इफ यू हैव इतना साइट मेरे ऊपर अगर आपको डाउट है कि सर आई इज दिसक यूर सीनियर्स हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग दैट वेन वी से समथिंग वाई यू कैन एक्चुअली बिलव इट टू बी ट्रू तो प्लीज एग्जीक्यूट करिएगा एग्जीक्यूट नहीं करेंगे नथिंग वर्क राइट लेट्स डीप डाइव इंटू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स रोड मैप फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव और यहां पर मैं क्लास ट्वेल्थ और ड्रॉपर्स दोनों की बात करने हूं, बिकॉज दोनों में सब कुछ कॉमन है एक्सेप्ट फॉर वन थिंग टू टॉक अबाउट ओके बिफोर आई मूव फर्दर प्लीज मेक श्योर दैट यू जॉइन द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ मैथान गो फॉर टू वाला जॉइन मत करेगा टू थाउजेंड ट्वेंटी नाउ वी विल स्टिंग रेगुलर वीडियो ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी नो दैट अट ऑफ पीपल ऑफ टू थाउजेंड फोर सेट नाउ अच्छा प्रिपेर फॉर दर्स एंड यू विल बी रेडीज बिलवल टोल्ड

अभी आपके पास चाहे आप क्लास ट्वेल्थ हैं चाहे आप क्लास ट्वेपर हैं यू कैन डेफिनेटली प्रोड्यूस अ ग्रेट रैंक नो डाउट अबाउट इट बहुत टाइम है बट प्रोवाइडेड यू फॉलो द रोड मैप एंड यू गो इन सीक्वेंशियल वे वॉट इज दैट सीक्वेंशियल वे सो द बिग सीक्रेट आई एम गोइंग टू टेल यू इज हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस यूज है बिगेस्ट प्रॉब्लम so अब इसमें बिगेस्ट प्रॉब्लम बताता हूं और आप ये अपने सीनियर्स से कंफर्म करेंगे प्लीज माइंड इट आस्क येवेंथ में

वही सेम बच्चा जस्ट इमेजिन अब वो ट्वेल्थ में भी कवर कर चुका है सिलेबस इलेवेंथ का भी था अब वेन हीउजेंड ट्वेंटी जनवरी ही स्टिल गेट और दैट्स प्रॉब्लम वाइट आप इतना अनप्लैंड तरीके से पढ़े कि सारा का सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन द ड्रेन सो यू हैव टू स्टार्ट एंड एट द सेम टाइम बी कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड है ना? दे तो वो वाला फंडा है यहाँ पर दे टाइम यू डू नॉट time, क्योंकि वो उड़ता बहुत जल्दी है हम उसको वेस्ट बहुत आसानी से करते हैं अब उसी के बारे में बात करते हैं देखो आज मैंने पूरा टाइमलाइन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे बिकॉज टाइम इज द मोस्ट important क्राइटेरिया अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर और अप्रैल तक हमारा सिनेरियो चलता है। जेई मेंस तक का है ना? राउंड टू अब अगर आप बात करते हैं फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर दीज आर कंप्लीटली अनऑब्सट्रक्टेड स्टडीज दैट मीन डू यू मीन दैट मींस यू विल नॉट इन एन बिटवीन है ना मतलब वो वैसे वाला प्रेशर नहीं है कि भाई बोर्ड का प्रैक्टिकल है तो देना ही है पढ़ना है अगर वो, वो मतलब अनअवॉइडेबल नहीं है वो है ना आप अवॉइड कर सकते हैं अगर नम कम नंबर भी आए स्कूल में तो चलेगा आई विल टॉक अबाउट दैट आल्सो सो शुड नॉट टेक एनी ब्रेक बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस छह महीने में यहां पर मैंने सितंबर को अलग से हाईलाइट क्यों करा है सर ये ग्रे था अभी बताता हूं वाई अक्टूबर तक ये भी बताता हूं यू शुड नॉट टेक एनी ब्रेक

That's what you have to do. By September, you should be able to cross 80%, minimum 80% of class 12th. Class 12th की बात कर रहा हूँ, वो तभी होगा जब आप break नहीं लेंगे। अगर आप कहते हैं मैं तो summer breaks में इस पर थोड़ा break ले लेता हूँ। Believe me, guys. Once you take a break, it is very difficult to come to the same momentum. आप तीन घंटे का break लो, चलता है। आपने कहा Sunday sir, I will take a three-hour break every Sunday. I'll enjoy, I'll go out, play, whatever you want to do, you do. But taking a seven-day और अ बिग ब्रेक प्लीज डोंट डू दैट ये नहीं होगा ये टाइम ही फॉलो नहीं, नहीं होगी आगे आते हैं टाइम पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जनवरी इज वेन यू हैव योर फर्स्ट जे मीन शिफ्ट बट इट इज नाउ ऑब्स्ट्रक्टेड स्टडीज वाई बिकॉज इन दिसंबर नवंबर दिसंबर महीने में स्कूल तंग करना शुरू कर देता है प्रैक्टिकल होते हैं प्री बोर्ड होते हैं एंड नाउ फॉर क्लास ट्वेल्थ वी नो दैट बोर्ड माइट हैपन दिस ईयर

ये लेस ऑब्सेप्टेड ये फ्री हैं कैप्चर देम ठीक है अब इनमें टाइम जोन की बात करता हूं तो मैं इसमें टारगेट सेटिंग करता हूं लेट्स डू द टारगेट सेटिंग फॉर यू सो कंप्लीट क्लास ट्वेल्थ विद लिटिल रिवीजन ऑफ क्लास इलेवन मैं बात करूंगा बैकलॉग्स हाउ मच टू डू वॉट टू डू अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और मे बी नवंबर दिसंबर यू शुड टारगेट रिविजन ऑफ क्लास इलेवन एंड ट्वेल्थ सिलेबस दैट यू हैव डन

अब ये क्यों इंपॉर्टेंट इफ यू नाइन सेवन प्लस बिकम जो फोन -E -E मिलाइए जो आसपास रहता हो उसे मैप पूछे क्या ये मैप सही है सर सही बोल रहे हैं एम आई राइट इन दैट बिकॉज दैट्स बच्चों का यहां स्कोर नहीं आया दे आर आर मैं पढ़ू ना पढ़ू जेई मीन -E के लिए मैं जे एडवांस -E के लिए पढ़ू मैं जेई -E मीन के लिए पढ़ू

ड्रॉपर्स इज वेल्थ अभी बात करते आइए पहली बात टाइम लाइन चल गई टाइम लाइन क्लियर है एवरी वन क्लास ट्वेल्थ अक्टूबर मतलब मैथूबर होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं पंद्रह अक्टूबर से ज्यादा नहीं ड्रॉपर्स फिफ्टीन नवंबर ठीक है सिलेबस में भी ओवर व्यू होना चाहिए कैसा अच्छा देखो जेई मीन रिड्यूजांस डेड नॉट बट वी डू एक्सपेक्ट दैट दिस कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर बिकॉज एनसीआर सेव डिलीटेड सो द इंपैक्ट ऑन जेई एडवांस विल डेफिनेटली कम एंड वी बिलीव दिसर इट विल डेफिनेटली कम सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द रिड्यूज अगेन वर्स केस एडवांस में आता है अरे भाई जनवरी मेंचिंग कहता है वो करिए मैं तो यही कहूंगा अपना दिमाग मत चलाइए आपसे बहुत ज्यादा दिमाग लगा के बैठे आपको बस फॉलो करना है Expect changes at advanced and I expect changes at other state engineering level examinations also. मिस्ट्री रिडक्शन वॉज ग्रास्टिक पूरी इनऑर्गेनिक हटा दी उन्होंने अच्छी बात है ना अब आपको सिर्फ फिजिकल और ऑर्गेनिक पे ध्यान ज्यादा देना है बटिंग सेड दिन की वेटेज पेपर में कम नहीं हुई है सेम थर्टी परसेंट और थर्टी थ्री परसेंट कहीं ना कहीं विच इज अकोरिंग ऑपरचुनिटी दैट मीन दिलेबस मोर क्वेश्चन थिंग्स

99 परसेंटाइल भी नहीं मिलती है कई कई बार एट सेवन प्लस स्कोर इन फिजिक्स इट इज दैट इजी सो यू हैव इजी का मतलब यह नहीं है कि आप उसको लाइटली लें यू हैव टू वर्क हार्ड टू मेक श्योर दैट यू आर रेडी फॉर एट्टी फाइव प्लस स्कोर नाउ वेन यू कंपेयर दिस विद मैथ्स मैथ्स इज लेंदी ट्रिकी एंड रिक्वायर्स अ ऑफ प्रिपरेशन इट इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ दिस दो इन टू थाउजेंड ट्रिकीनेस फैक्टर एज कंपेयर टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वेरी लेस It was mostly PYQ-based questions that were asked, but they were very lengthy. So the mindset that you have for physics and chemistry will not work for the mindset that you have for maths. Bilkul polar, polar hai, ek dusre ke. So this is basically the rank determining subject right now. Because everybody is good at to some extent in these two. Rank ban hai to maths mein that score ja You will be surprised. You can get a 99%ile at math.

definitely it is huge for maths but i have a strong advice to you guys that difference between these two is very very high just pick p y q here just pick previous year questions here and you will understand the difference but that does not mean that you cannot prepare both right now you can prepare in-depth knowledge is required in physics difficulty of the questions there huge change in main and advance here in uh, physical both the hai. फिजिकल अच्छा पूछा जाता है या ऑर्गेनिक पूछा जाता है एंड एट गुड एट जयलो दर आज एट जेई वेरी डिफरेंट फ्रॉम जेई तो ये तो हमें पता होता है बट तो ये डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है सोट ऑफ पीपलोरिंग सेवेंटी दे विल नॉट बी एबल टू क्लियर द सब्जेक्ट कट ऑफ इवन फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एट जेई एडवांस एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू कमिट द सेम मिस्टेक

इज नॉट स्टडीज बच्चों दिस इज मेकिंग मॉकर ऑफ योर सक्सेस नॉट रिजल्ट सक्सेस रिजल्ट की जगह सक्सेस प्रोड्यूस करना शुरू कर दो इट इज थ्योरी और चैप्टर कंप्लीट करना आप बोलोगे ना ट्वेल्थ के बच्चों से बात यार मेरा तो सारा सिलेबस खत्म था वो कहते हैं थ्योरी कवर थी क्वेश्चन नहीं करे थे सो इफ यू हैव नॉट डन सफिशियंट क्वेश्चन इट इज नॉट कंप्लीट

आप किसी भी हाई रैंकर से पूछ ले टीचर से जिसने जो बोलते हैं ना सिंगल डेट डबल डेट है उन्होंने आज तक बच्चे क्यों नहीं आता है? उसको डाउट आता है पर वो टीचर के पास नहीं जाता दे सोल्व ऑन दे विद दैट्स प्रॉब्लम्स सोल्व लिमिटेड इफ नॉट टू मच क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट इन क्वांटिटी बट दो पर

केमिस्ट्री के लिए भैया सबसे बड़ा रामबाण है बाइबल है गीता है अगर आप एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं केमिस्ट्री में एंड दिस शुड गो साइड बाय साइड कई बच्चे क्या करते हैं इसको ना बिल्कुल आखिर में करते हैं भाई आपके टीचर ने आपको चैप्टर पढ़ा दिया मान लीजिए अभी कर लो ना एनसीईआरटी साइड बाय साइड वेट क्यों करना है वेट नहीं करना है मैं बताऊंगा इस पर एवरी चैप्टर टू अंडरस्टैंड द एग्जाम कोड भाई देखो पीवाई क्यू हमारे पास आज की डेट में लास्ट पांच साल के जोड़ लो तो तीन हजार पीवाई क्यूज है एवरी सब्जेक्ट राइट तुम्हें पता है ये तुम्हें बहुत आसान लग रहा होगा सर तीन हजार तो मैं निकाल ही लूंगा है ना तो मैं पता है लास्ट तक जनवरी का एग्जाम आ जाता है बच्चों ने तीन हजार छोड़ो पांच सौ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे होते हैं फिर वो पूछ रहे होते हैं सर कौन से पीवाई क्यूज करूं अभी भी कई लोग पूछ रहे होंगे सर कौन से पीवाई क्यू लास्ट फाइव ईयर सारे करने हैं भाई ऑप्शन नहीं है इट्स अ कंपल्शन आइडली 2019 से 2023 सारे करो और 2024 को एज अ मॉक के लिए छोड़ दो 20 पेपर दैट्स हाउ यू शुड प्रिपेयर दैट रिग्रेस इट शुड बी इससे बेटर सोर्स नहीं है अगर जेई मेंस की तैयारी की बात कर रहे हैं सिमिलरली जब जेई एडवांस की बात करते हैं इससे बेटर रिसोर्स नहीं है अच्छा कई लोग कहते हैं सर कहां से करें तो भैया मार्क्स ऐप आप अगर आपने सुनी हो आई वुड अप्लाई दी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स इट इज अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर प्लस अगर आपके पास आईओ है या फिर आप इसको डेस्कटॉप पे चलाना चाहते हैं तो वी हैव वेब वर्जन ऑल्सो तो आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं बच्चों जेई मेन्स के जेई एडवांस के जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं कैटेगराइज विदाउट एनी एड विदाउट एनी ब्ला ब्ला, ब्ला। टॉपिक वाइज भी मिलते हैं आपको आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रिपेयर करते हैं जाएंगे जेमिनस में जाओगे जेमिन में 2002 से लेकर 2024 अपडेट हो चुका है जनवरी अप्रैल भी होने वाला है वहां तक मिलेंगे आपको इस तरीके से ठीक है आते हैं मुद्दे पे बैकलॉग कितने लोगों का बैकलॉग अरे सर ये तो आपने ऐसा पॉइंट पकड़ा जिससे लगता है इसी की वजह से बस मेरी रैंक नहीं आएगी अदरवाइज मैं तो फोड़ देता है ना एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू मिस क्लास 11th डोंट मेसअप क्लास ट्वेल्थ नाउ बिकॉज ऑफ दिस बैकलॉग वर्ल्ड कुछ नहीं होता है बैकलॉग बैकलॉग का द फर्स्ट रूल ऑफ बैकलॉग डू नॉट क्रिएट एनी न्यू क्लास ट्वेल्थ बैकलॉग आप क्या होता है आप क्लास इलेवेंगे आप क्लास ट्वेल्थ भी चलाएंगे अब क्लास इलेवेंथ के चक्कर में यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग बैकलॉग फॉर क्लास ट्वेल्थ एंड दैट्स दिगेस्ट ब्लंडर दैट यू कैन डू क्लास ट्वेल्थ में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो उसका बैकलॉग नहीं बनना चाहिए चाहे क्लास इलेवन छोड़ दो ये तो वही बात हो गई ना नई चीज भी खराब करते जा रहे हो पुरानी चीज को सुधारने के चक्कर में सेंस तो करना क्या चाहिए सर जो क्लास इलेवेंथ के टॉपिक्स हैं वो टंग तो करेंगे बीच बीच में आएंगे वो जब वो आते हैं क्वेश्चंस में उसको बस उतना ही करो आई रिपीट आपको सारा क्लास इलेवन करने की जरूरत नहीं है जितना वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उतना ही करो और छोड़ दो

हम लोगों ने उसमें हर महीने में एक या दो चैप्टर्स इलेवंथ के उठा के टारगेट करा हुआ है आप भी ये शेड्यूल फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं बिकॉज मेनी ऑफ देम आर फॉलोइंग इट फॉर एग्जाम्पल हमने अप्रैल में आपको टारगेट दिया मोशन इन वन डी मोशन इन टू डी केमिस्ट्री में सम कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और, और मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लो मे में आप लॉज ऑफ मोशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्वार्टर इक्वेशन रिवाइज कर लो वन एट ए टाइम जिससे आपका क्लास ट्वेल्थ हेम्पर नहीं होना चाहिए

वीडियो देख रहे हो तो जल्दी जल्दी लिखते जाओ जो जो टीचर की स्पीड पे चल रहा है वही जब रिवीजन करते हो आफ्टर द क्लासेस ओवर वंस यू अगेन रिवाइज तब याद करो हाँ टीचर ने ऐसा ऐसा बताया था अगर आपने वो मिस कर दिया था लिखना बस अब ऐड कर लो डोंट ट्राई टू टू टेक मच ऑफ टाइम बट मेक योर शॉर्ट यार्ट एंड इट शुड बी शॉर्ट कंसाइज ठीक है स्टूडेंट वेज बेस एंटायर ईयर या तो वो नोट्स बनाते रह जाते हैं या वो वीडियो देखते रह जाते हैं ये दो काम ये दो काम बड़े फेवरेट हैं बच्चों के स्पेशली इन ऑनलाइन एरा तो नोट्स बनाते रहो या वीडियो लेक्चर देखते रहो रिजल्ट पता नहीं कहां चला गया ठीक है सो कीप देम शॉर्ट एंड राइट ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड हर चीज लिखने की जरूरत नहीं जैसे कई बार बहुत सिंपल फॉर्मले होते हैं ठीक है उनको लिखने की जरूरत नहीं अगर आपको आता है तो छोड़ दो ना शीट एक अलग बना सकते हो आप हमेशा अगेन आई वुड से शीट आपकी अपनी होनी चाहिए दूसरे की नहीं अपनी शीट बनाइए बट अब बहुत ही अगर बेसिक और आपको पता है उसको बार बार नोट्स में लिखने की क्या जरूरत है उसको बार बार सर्कल करने की क्या जरूरत है नो, नोट शॉर्ट नोट्स में वो चीज लिखी जाती है जो आपको नई सीखने को मिली है आप जो भूलते जाते हैं बार बार ठीक है बाय द वे इफ यू आर नॉट वेरी मच पॉइंट मार्क्स एप पे फॉर्मुला कार्ड्स भी ऐड कर दिए गए हैं अभी लिमिटेड एड हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स के मैथ्स के और रिमेनिंग और केमिस्ट्री के भी एड होने शुरू हो जाएंगे तो आप वो भी वहां जाके रिवाइज डेली बेसिस पे

बट केमिस्ट्री तो आती ही एनसीआर बेस्ड है मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो पूरा एनसीआर बेस्ड है मैथ इट हैज रियली गुड क्वेश्चन स्पेशली क्लास ट्वेल्थ क्लास इलेवेंथ की एनसीआर इतनी अच्छी नहीं है क्लास ट्वेल्थ की एनसीआरटी की जो है वो बहुत अच्छी किताब है तो आप वहां पर साइड बाय साइड उसको निकालते जाओ बेसिक लेवल वहां पर प्रिपेयर हो जाएगा आपको जब भी फील हो दैट आई नीड टू सॉल्व बेसिक क्वेश्चन उसके लिए एनसीआरटी यूज करो कहां से करें ठीक है अभी वो भी बता रहा हूं मैं ये पर क्लियर कह रहा हूं आप अगर स्मार्टली प्रिपेयर करोगे ना आपको बोर्ड की टेंशन और फरवरी नहीं पड़ेगी बिकॉज यूर ऑलरेडीन वॉन्ट गो बैक एंड सी सर कहां से करें तो हम लोगों ने बच्चों मार्क्स ऐप पे एनसीआर टूल बॉक्स करके एक चीज डाल रखा है जो आप देखेंगे वहां डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एनसीआर बैक प्रॉब्लम

ट्रैकिंग दी सब्जेक्ट कंप्लीशन और सिलेबस कंप्लीशन जैसे मैंने जो रोड मैप टाइम वाला बताया था आप पढ़ रहे हो बट आपको पता ही नहीं है मैं क्या पढ़ रहा हूं मीनिंग गिविंग टू मच टाइम टू चैप्टर्स एंड टू लेस टू अदर्स एंड जनरली टू समीट्यूट ऑल्सो डॉज उनको मल्टीपल बैचेस बनाने होते हैं ठीक है तो वेट कर रहे होते हैं और बच्चे आ जाए तो आपका कई कई जगहों पर आपको देखेगा फंक्शन फोर्टी फाइव डेज चल रहा है जीओसी फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी डेज चल रहा है कैलकुलेट बैक मैं कह रहा हूं आपका अक्टूबर तक क्लास ट्वेल्व का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए ड्रॉपर का नवंबर तक खत्म हो जाना चाहिए अगर आपको कोई टीचर फोर्टी फाइव डेज तक एक चैप्टर पढ़ा रहा है डू यू रियली फील दैट आपका सिलेबस खत्म होगा यू आर ऑलरेडी मिसिंग योर चांसेस ऑफ गेटिंग सेवन प्लस एट जे मीन जनवरी अटेम थिंक लॉजिकली थिंक प्रैक्टिकली राइट सो डू नॉट स्पेंड मोर देन थ्री वीक्स इनफैक्ट यहां होना चाहिए था टू वीक्स थ्री वीक्स बड़े चैप्टर्स के लिए हैं, जैसे जीओसी फंक्शन तीन हफ्ते लगते हैं इससे ज्यादा नहीं ये जनरल रूल रूल है ऑफ इसको ट्रैक करना शुरू करो ये तो फस जाओगे भाई सॉल्व ओनली वन बुक जो भी आप अगर आप कोचिंग जा रहे हैं कोचिंग मॉड्यूल इज एवरीथिंग बात खत्म कोचिंग मॉड्यूल इज एवरीथिंग ठीक है स्टडी फ्रॉम वन टीचर आपको जो टीचर पढ़ा रहे आप जो कोर्स में एनरोल्ड हैं वो मान के चलो वो आपके लिए बेस्ट है ठीक है देर इज नॉड ऑफ मैथ गॉड ऑफ केमिस्ट्री गॉड ऑफ फिजिक्स पता नहीं यार कहां से आया और मुझे बहुत शर्म आती है बोलते गॉड ऑफ मैथ हाउ कैन एनी बडी भी गॉड ऑफ मैथ गॉड ऑफ केमिस्ट्री गॉड ऑफ क्या बोलते रहते हो यारॉन क्या, क्या सेंसिकल बात है क्या स्टेटमेंट है ये देर इज नो बेस्ट बुक देर इज नो बेस्ट टीचर देर इज डेफिनेटली नो गॉड ऑफ फिजिक्स एन मैथ स्टॉप बिहेविंग लाइक द व जिनको आप बाद में जाके रिग्रेट कर रहे हो देर इज नो बेस्ट टीचर देर इज नो डेफिनेशन ऑफ बेस्ट इफ यू वर्क हार्ड ऑन योर स्टडी टेबल इट इज बेस्ट एज सिंपल एज दैट रैंक वही वो बच्चा जो उस टीचर से पढ़ा जो टॉप हंड्रेड प्रोड्यूस करता है वो रिजल्ट नहीं निकाल पाता और आपके एक लोअर बैच से बच्चा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है जिसका टीचर ने हंड्रेड वाले बच्चे को नहीं पढ़ाया तो टीचर की कबलियत क्या, क्या हुई बताइए मुझे पता है मैंने रिजल्ट प्रोड्यूस करा है और मैंने लोअर बैच से रिजल्ट प्रोड्यूस करा है बेस्ट टीचर से पढ़ के नहीं ठीक है सो स्टूडेंट डूइंग सेल्फ स्टडी यू हैव टू टेक स्पेशल नोट बिकॉज यू आर वर्स्ट एट टाइम ट्रैकिंग तुम तो मजे में थी तो मैं अभी भी कहूंगा थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो अपने सक्सेस में इट इज नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग लेस और मोर इट इज अबाउट इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर

प्रोड्यूस रेंडम रिजल्ट ठीक है इसमें और अगर हम बात करें आप अगर प्रिपरेशन ट्रैक करना चाहते हैं तो मार्क्स पे एक प्रिपरेशन ट्रैकर करके टूल है आप उसको यूज कर सकते हैं अभी वो अपडेट नहीं हुआ है 2024 के डेटा के हिसाब से विल अपडेटेड बिकॉज कई कई बार क्या होता है ना आपको पता नहीं चलता कि यार इस इस चैप्टर के में पर्टिकुलर टॉपिक की जेई मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी वेटेज आपने चैप्टर करा एंड यू जस्ट दैट टॉपिक

तीन घंटे में पेपर में आता है। When the same type of question comes in paper, you will not be able to solve because you have not worked under time pressure in mock test environments. So you have to make test preparation as a separate entity. हर हफ्ते एक टेस्ट देना है। जय आप एक घंटे का ही दीजिए, पर हर हफ्ते अपने आप को चैलेंज करना है। It has to be done under time pressure and finding a knack of building a knack of finding easy and doable questions.

टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना इज मैंडेटरी एक्टिविटी मैंडेटरी इसमें जो बच्चे पेड टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते हैं फिर से आ जाओ मार्क्स एप देर इज एन ऑप्शन कॉल्ड कस्टम कस्टम टेस्ट टेस्ट में जाके आप अपना चैप्टर मल्टीपल चैप्टर सेलेक्ट कर लो और वहां पर जाके एक छोटा पंद्रह क्वेश्चन का टेस्ट बना के फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स में काम करके निकल जाओ चाहे तो डेली कर सकते हो यार अब देखो इतने सारे टूल्स आपको दे दिए ठीक है सब कुछ बता दिया रिजल्ट तो फिर भी नहीं बनता है बहुत सारे लोगों का क्यों नहीं बनता है ऑल इट बॉल्स डाउन टू यू आप एग्जीक्यूशन करोगे तो काम बनेगा नहीं एग्जीक्यूशन करोगे तो कोई भी आपका पेपर क्लियर नहीं कर सकता नाउ सिंस इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग सेशन आई वुड लव स्टार्ट फॉलिंग व्हाट हैज बीन टोल्ड इन दिस वीडियो वेरी वेरी रिग्रेसली वी हैव प्रोड्यूस्ड ट्रिमेंडस रिजल्ट इन द लास्ट फाइव इयर्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग सिंगल डिजिट डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट फोर डिजिट फाइव डिजिट सिक्स डिजिट ये सब आया है ये कहना गलत है नहीं मतलब ये कहें हम सिर्फ टॉपर्स को पढ़ाते हैं वो गलत है हमारे साथ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी पांच पांच लाख है दो लाख है बीस हजार है दो हजार है दो सौ बाईस है और पचास के नीचे भी है तो आपको ये डिसाइड करना है कि यार मैं कहाँ फिट होता हूँ इसमें ठीक है But please do join our channel uh, telegram channel and you know this particular YouTube channel so that you guys can get updated and get relevant information on what is to be done and what is not to be done. Okay? So start working even harder from now on, and more importantly, smarter. Not hard, smart. That's what you guys are meant to do. Plan yourself strategies. Sare log strategies batayenge. Be practical because every strategy. कैन नॉट फिट एवरी वन ए स्ट्रैटी हैजू बी इंडिविजुअलाइज राइट आप अपनी स्ट्रैटी बनाइए अपने आप को पहले मॉनिटर करिए हाउ एम आई एज अ पर्सन इन देन प्लान यू जस्ट हैन डू इट वाई कॉन्ट यू मेरा सिंपल पंडा है मैं आज तक कभी स्टूडियस नहीं रहा यार जब तक मैं बारहवीं में था और मैं जब सारे पेपर कराक करके चला गया तो मुझे लगता है यार तुम तो बहुत ज्यादा मुझसे आगे हो मुझसे बहुत ज्यादा आई रखते हो तुम तो निकाल ही लोगे बट आप बिल विश्वास नहीं करते हैं प्रॉब्लम ये है ठीक है तो मुझे बताते रहिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मैथनगो इज देयर टू हेल्प यू लेटेस्ट नो ऑन ई मेल आर ई मेल इज इन्फो एट द रेट मैथनगो डॉट कॉम वी डू लिसन टू एंड समटाइम्स रिप्लाई एज वेल बिकॉज हमारे बहुत ई मेल आती हैं बट हाँ हम सुन देखते जरूर हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है उसको कहीं ना कहीं आंसर करने की कोशिश करते हैं चाहे ई के थ्रू चाहे यूट्यूब की वीडियो के थ्रू किसी ना किसी फॉर्म में और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज़ अब से वो बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाला है 2025 के लिए गॉड ब्लेस गो पे अगर आप पहली बार आए हैं तो मैथन गो का एंथम जरूर सुनते हो जाइएगा व्हिच विल गिव डेफिनेटली एनर्जाइज यू एंड विल डेफिनेटली पंप यू अप गॉड ब्लेस कीप वर्किंग हार्ड एंड द एंथम गोस पेपर फोल्डना